अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे गाइस। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार आपने सारी फेस कैम वाली वीडियोस क्यों रिमूव कर दी। कुछ थोड़े बहुत लोग सोच रहे होंगे, ज़्यादा नहीं। तो असल में मेरे कैमरा की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो थी, और उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू था गाइस हमारा प्राइवेसी का इशू था। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यार, इसमें तो ये इशू बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सारी वीडियोज़ वगैरह प्राइवेट कर दी हैं। तो अभी इंशाल्लाह फेस कैम वाली वीडियोज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट तब जब हम लोग एक अच्छे एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर हमारे पास जब एक अच्छा कैमरा हो जाएगा, तो उसके बाद गाइज ये सारा कुछ देखेंगे। बट फिलहाल अभी हमसे कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो ये सारा सीन है गाइज। तो बस गाइज ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे गाइस। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यार, अभी मैं जा रहा हूँ जमील और तंजीला को स्कूल छोड़ने, तो जल्दी से चलते हैं गाइस। जमील जल्दी से बैठ जाओ, चलो शाबाश। रामेबाजी कर रहा था गाइस, इसको मैं सुबह से उठा रहा हूँ, सहरी करके सो जाते हो तुम लोग। नमाज भी नहीं पढ़ता ना तू? नमाज पढ़ी थी इसने तंजीला? जी पापा, इसने नमाज तो नहीं पढ़ी थी। हाँ, नमाज भी नहीं पढ़ता है, बहुत बेगैरत है, मर्दूद आदमी है। आप भी नहीं पढ़ते पापा? मेरी तबीयत, बेटा बुखार था, फिर मैंने कहा चलो मैं उठ के पढ़ लूंगा। जी पापा, पता है जो बुखार था, रोज शोरूम चले जाते, नमाज पढ़ते टाइम तुम्हारे नंबर कितने आए थे? छोड़ो तुम, वो मैं कह रहा था नंबर कितने आए थे तुम्हारे टेस्ट में? हाँ जी पापा, जीरो। जी पापा जीरो। बाप को बातें सुनानी आती हैं भाई, खुद का पता है नहीं तुम लोगों को। पापा आप ही की वजह से होता है, खुद आप कोई अच्छा काम करें तो हमारे अच्छे नंबर आए ना। मैं क्या अच्छा काम करूं? अच्छा काम करने को क्या बोलो, मैं क्या करूं? नमाज ही नहीं पढ़ते आप? नमाज पढ़ता हूं बेटा, मैं बता रहा हूं मेरी तबीयत खराब थी, मारो ईंट उठा के यहां से, रोकता हूं गाड़ी, ईंट उठा के मेरे सर में मारो। रोकते हो, सामने पत्थर पड़े। ये मेरे मर्दूद बच्चे हैं गाइस, ये सच में उठा के मार ही ना दे, बहुत बेशरम है। अभी रमजान है, तुम्हें नहीं तो मैं बताता, ठीक करता तुम लोगों को। पापा रोजा तो रखते हैं ना? हाँ रोजा रखता हूँ। अभी तुम कल बाप पे इल्जाम लगा देना भाई, वॉशरूम जाते होंगे, टूटी से पानी पीते होंगे। जी पता तो नहीं है आपका? पता तो नहीं है, अभी तुम्हारा मैं इलाज करता। अच्छा, हूँ सबर करो। पापा सामने से मुझे शरबत ले दे। शरबत ले दे, खुद रोजा रखा है नहीं तुम लोगों ने, मर्दूदो। पापा हम उड़ी तो स्कूल जाते हैं ना, फिर हमें प्यास लग जाती है। हाँ ना पापा जी, मुझे खुद बुखार हो रहा है इतना ज्यादा, पूछे ना जे तंजीला, बताओ मेरी कितनी तबीयत खराब थी सुबह के टाइम। झूठ बोल रहा, झूठ, सच की तबीयत खराब थी? खराब थी, अभी झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूँ। और पापा जी मैंने कहना था, मामा और मैं गए थे ना कल मेरे लिए रिश्ता देखने। किसने कहा था तुम लोगों को रिश्ता देखने? पता नहीं क्या ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। मुझे भी नहीं लेके गए जे दोनों। वाह भाई वाह, क्या ड्रामेबाजियां घर में चल रही है। अभी इसने पांचवी जमात के आगे पेपर देने और ये पता नहीं क्या कर रहा है। मामा क्या पापा, फाइव क्लास के बाद ही मेरी शादी हो जाएगी, मामा ने मुझे पहले ही बता दिया। मामा क्या आई थी ना कि जमील बेटे की शादी करा देंगी। अच्छा जमील बेटे की शादी करा देंगी, वाह भाई। मामा कहती अभी मेरे से घर के काम नहीं होते, एक बहू लेके आऊंगी वो सारे काम करेगी। वो काम शाम नहीं करेगी, काम किसके लिए करेगी, वैसे थक जाएगी बेचारी। तो क्या हम रानी बना के रखेगी उसको? हाँ ना, वो तो घर की वैसे भी शहजादी होगी, मलिका बीवी आएगी उसको। ओ बस, और ड्रामेबाजी बंद करो, क्या शोर मचाया हुआ, कोई तमीज है नहीं? स्कूल जा रहे हो, किधर जा रहे हो? जी पापा, हम तो चुप हो गए, अभी सबसे ज्यादा आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, मैं तुम लोगों को ठीक करता हूँ, रिजल्ट तुम्हारा सही नहीं आ रहा, अभी पेपर्स होने वाले आगे। एक काम करते हैं पापा, मैं और आप भी चाहते हैं आपके लिए भी रिश्ता ढूंढते हैं। मेरे लिए रिश्ते ना ढूंढो तुम, मेहरबानी करो तुम लोग। क्यों पापा? क्यों पापा? हाँ पापा, आप भी देखे रिश्ता देखे, आपकी बीवी घर के सारे काम करेगी। बस बस अभी चुप करो, दिमाग नहीं खाओ, चलो उतरो शाबाश, स्कूल जाओ। ओके पापा, चलो ड्रामे बाद। पापा पॉकेट मनी दे दे। पॉकेट मनी अभी नहीं है मेरे पास पैसे, ठीक है? पापा रोजा भी मैंने नहीं रखा, उधर चीज भी खानी होती है, दे पैसे। जी जी, जी सर। इधर आए। ये कौन है भाई? 10 दिन से शेर ही नहीं की कुछ देने खाने के लिए। खाने के लिए अभी किधर दे दूं? पेट तो देखे। पेट तेरा इतना बड़ा है भाई, क्या हो गया? सहरी दे दे, अफ्तारी करूंगा सहरी के बगैर। हाँ भाई, अंकल जी मेरी तरह डाइट वगैरह करें, देखें कितना दुबला पतला हूँ। बेटा दुबला पतला तो नजर आ रहा है तू, रहने दे। अच्छा अच्छा चलो अभी जाओ भाई, बहुत सारे काम है गाइस हमें आज। और यार चोरी हो गई थी डीलरशिप पे गाड़ियाँ वगैरह, नहीं तो भाई मैं आपकी मदद जरूर करता। अच्छा। चले ये ले, 100 रुपया ले ले, ठीक है? इसमें मैं क्या अफ्तारी करूंगा भाई? भाई मेरे भाई, आपने कितना खाना होता है? एक प्लेट ही खाओगे ना, एक ट्रक तो नहीं खाना क्या? एक प्लेट तलने वाला होता है मेरा सिर्फ। सब भाई ये ले, तू 1000 रुपया रख ले बस। 1000 रुपया उधर दे रहे
हमें देते नहीं है पैसे पापा। और बेटा सवाब मिलेगा, उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, समझ आई ना? पास भी कुछ नहीं है खाने पीने को। देखो उसके पास क्या है, आराम से जा रहा है बेचारा। हाँ चलो अभी जाओ स्कूल जाओ, शाबाश। वो देखो वो बेचारा शरीफ जा रहा है पैदल ही जा रहा है। कुछ भी देने भाई, अबे क्या ड्रामेबाजी कर रहा है, दोबारा मुंह उठा गया। ये गाड़ी इसी की है जो सामने खड़ी है। हैं जी ये गाड़ी तेरी है भाई? नहीं मेरी तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता किसकी है। इसी की है, ये रोज इधर भीख मांगता है पैसे जमा करके इसकी गाड़ी ली है। अबे चल लो ड्रामेबाज आदमी भाग रहा है अभी। चलो ठीक है जाओ तुम लोग बेटा, चलो ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, चले जाओ शाबाश। ठीक है पापा, मेरी बात याद रखना, मेरे लिए रिश्ता देखना, दुबली पतली मेरी जैसी लड़की हो। ठीक है हाँ तेरे जैसी बेटा, अगर दुबली पतली कोई लड़की हमने देख ली ना फिर तो जो है ना हमारे घर का सारा राशन ही खत्म हो जाना है। जी सर क्या हुआ? ओ भाई क्या हुआ, ये कौन आ गया? पार्किंग के। ओ भाई मैंने पार्किंग की ही नहीं है, मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, इसको पता नहीं समझ नहीं आ रही गाड़ी लग जाती है अभी। चलो भाई जल्दी से निकलते हैं गाइस हम डीलरशिप के लिए, वो वॉचमैन मेरे पीछे आ रहा है। चलो निकलते हैं गाइस, अभी हम लोग पहुंचते हैं जल्दी से अपनी डीलरशिप पे। मैंने आप लोगों को बताना था यार, हमारी 12 गाड़ियां चोरी हो गई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो यार वो उसके बाद तो गाइस हमने डीलरशिप पे सिक्योरिटी का कुछ ना कुछ इंतजाम करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए हैं। वो बंदा आ गया होगा, पता नहीं अभी तक तो लग भी चुके होंगे, तो मैं जाके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ घर में। नहीं तो यार मैं अभी जाके रेस्ट वगैरह करता, खाना पीना खाता, लेकिन रोज़े हैं तो यार रोज़ों में तो बंदा खा पी भी नहीं सकता, तो इसीलिए मैं कोई काम वगैरह जा रहा हूँ यार, कोई काम वगैरह देख लेते हैं डीलरशिप पे, क्योंकि यार ऐसे तो दिन भी नहीं गुजरता यार रमज़ान में ना गाइस, वैसे दिन नहीं गुजरता जब तक आप लोग या तो काम कर रहे हो या तो सो रहे हो। अबे क्या यार क्या हो गया भाई को? ओ भाई सॉरी सॉरी, ओ भाई ये क्या कर दिया, माजरत। ओ भाई माजरत, ओ भाई भाई मेरे टांग टूट गए, माजरत माजरत भाई, पैसे पैसे। ओ भाई पैसे क्या कर रहा है, फिर गिरा रहा है, पैसे ले ले। ओ भाई पैसे ले, दे पैसे 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 दे रहा हूँ अभी तो भागता हुआ आगे, पैसे दे। हाँ ये ले पैसे, थैंक यू। बस बस मेरा भाई, भाई मैं इधर खड़ा हूँ, तुम एक बार टक्कर और मारो फिर और पैसे देना। चल रहे तेरा तो लगता है काम यही है। चलो मैं तो निकलूँ यार। ओ किधर आ रहा है भाई पैसे? अबे गाड़ी में किधर बैठ रहा है तू भाई पैसे? बाहर निकल, ड्रामेबाज आदमी ना हो तो बाहर निकल। देखो कान देखो, गाड़ी में बैठ रहा है पैसों के चक्कर में। भाई ये हाल है यार लोगों का, क्या बोलूं अभी मैं। लॉस सैंटोस जैसे शहर में ऐसी गुर्बत की गाइस ये जो फिजा चल रही है ना, गरीब गरीब लोग हैं, इनको पैसा दो कैसे खुश हो जाते हैं। चलो खैर अभी मैं इनका ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाऊंगा गाइस, जल्दी से हम लोग चलते हैं डीलरशिप पे। हम लोग आ चुके हैं डीलरशिप पे और ये देखो शारिक भी आ चुका है गाइस, और ये साइकिल के ऊपर आता है मेरा भाई, इसने पता नहीं ना मेरी नाक कटवाने का ठेका लिया है। और ये देखो यार सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, और ये बंदा देखो कैमरा लगा रहा है, ये कैमरा लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हम लोगों को तो पूछते भी नहीं हो। वालेकुम अस्सलाम शारिक भाई, कैसे आना हुआ? और यार ये कोई बालों का कोई इलाज कराओ, दोबारा शादी करनी है तुमने ईद के बाद यार। कोई नहीं भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, फिर क्या करना है शादी से पहले पहले विग ले लूंगा कोई। अच्छा चलो हाँ ये भी ठीक है। और ये देखो साले साहब। हाँ भाई फैजान क्या हाल है, ठीक हो? हाँ ठीक ठाक, तुम सुनाओ क्या हाल है, रोजा कैसा जा रहा है? यार आज तो रोजा बहुत गर्म जा रहा है। क्यों? बस प्यास लग रही है ना मुझे। अच्छा हाँ ये तो है यार, रोजा तो लग रहा है। मैं कह रहा हूँ यार स्विमिंग पूल में नहाने चलते हैं, गर्मी तो मुझे भी लग रही है। अबे नहीं भाई बारिश हो जाएगी, टेंशन ना लो। हाँ बारिश तो हो जाएगी, ये बात भी ठीक है। चलो खैर। ओ भाई सर जी ये कैमराज ले आए, कितने कैमराज हैं? हाँ ये तकरीबन 25 कैमराज हैं, पूरे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। चलें ठीक है करें सर। वो देख दरवाजों के ऊपर कितने फीट कैमरा लगा, क्या बात है। और ये देखो गाइस की गेट भी वेल्ड हो रहा है सर, गेट भी टूट गया था। नहीं भाई बाथरूम है ही नहीं अभी, टेंशन नहीं ले तू, बाथरूम में लगाना है, पता नहीं क्या अजीब लोग हैं। चलो ये लगाओ आप, और उसके अलावा ये डीलरशिप खोलो तो सही यार, गाड़ियां वगैरह मंगवानी हम लोगों ने। नहीं नहीं सही है, दरवाजा वगैरह फिक्स कर लेना फिर उसके बाद, चले अभी कच्चा दरवाजा है। चले सही है, छोटे दरवाजे से फिर हम लोग शिपमेंट का पता करके आते हैं, आ जाओ। चल भाई शारिक गाड़ियों का पता करना है यार, वो बंदे से बात हुई है, उसने बोला मैं चाइनीज गाड़ियां मंगवा के देता हूँ तुम लोगों को। चलो फिजान को इधर ही छोड़ते हैं, फिजान नजर रखी इन पे ठीक है? हाँ ठीक है नजर रखूंगा। चलो सही है अभी हम लोग निकलते हैं, आते हैं मेरे लिए बिरयानी ले आना। चलो ठीक है बिरयानी ले आएंगे तेरे लिए। ओ रोजा नहीं है इसका? अबे हाँ रमजान चल रहा है, क्या आदमी है ये, रुक इससे बात करते हैं, तो कह रहा था रोजा बहुत गर्म जा रहा है। है रोजा नहीं रखा हुआ तूने? ओ नहीं भाई बीमार आदमी हूँ, किधर रोजा रख सकता हूँ यार। वाह वाह फजूल आदमी, क्या मैदे की खराबी है मेरी, मैदे की खराबी है, बिरयानियाँ ठूसेगा तो मैदा तेरा क्या सेट रहेगा?
हाँ डॉक्टर ने कहा है बिरयानी खाया करें आपका मैदा ठीक हो जाएगा। ठीक बस हो एक जाएगा। बार बारिश होने देना फिर स्विमिंग पूल पे चलते हैं। हाँ, ठीक है चल ठीक है फिर अपना नाला ही स्विमिंग पूल बन जाता है। भाई ये तो बात है सैंडी शोर चलेंगे वहाँ पे जो तेरे घर के बाहर नाला है ना तू खुद ही नहा ही शारिक अपने गंदे स्विमिंग पूलों में। और ये क्या ये कौन आके बैठे हुए साले साहब। मैं आके बैठा हूँ भाई क्या हो गया। ओ फैजान लगता तेरा मैदा बहुत ही खराब हो रहा है लगता है बिरयानी खाने का दिल है तेरा है ना। हाँ यार उधर सामने एक दुकान है ना वो लोग रमजान में बिरयानी बेचते हैं आराम से छुप के। अच्छा हाँ तो उधर जाते हैं तो मैं वहाँ पे उतरूंगा बिरयानी शिरयानी ले लूंगा फिर अपने घर चला जाऊंगा। सही है यार मैं भी सोच रहा था आज मेरी तबीयत तो खराब थी रोजा मतलब नाका कर लेता है ना। अबे पागल तो नहीं है क्या रोजा नहीं रखा तूने बेशरम आदमी। अच्छा। ओ मनहूस आदमी तेरी तरह थोड़े ही हूँ फैजान को तो चलो फरिश्ते उल्टा करके डंडे मारेंगे ना तब इसको पता चलेगा। हाँ ये तो है ये तो रोजे छोड़ रहा है ये तो फर्ज रोजे छोड़ रहा है इसके यार बीमार हूँ भाई जब तबीयत ठीक हो जाएगी ना फिर सारे रोजे रखूंगा इंशाल्लाह। अभी चाइनीज गाड़ियां आ रही हैं तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान करना और लोगों को सही तरीके से ना जो गाड़ियां बेचना सही है अच्छी गाड़ियां बस चाइना का माल है तो थोड़ा समझ रहा है भरोसा नहीं कर सकते। दो नंबर गाड़ियां मंगा रहा तू मुझे तो सीधी बात है अमेरिका और कनाडा का माल पसंद है चाइना का माल मजे का नहीं होता। ये पता नहीं क्या लगा हुआ है अबे भाई गाड़ियां मंगवा रहे हैं हम लोग गाड़ियों की बात कर रहा हूँ भाई तू पता नहीं क्या समझ रहा है। अच्छा गाड़ियां सही तो गाड़ियां तो वैसे सही है नॉर्मल अमेरिका की गाड़ियां बड़ी फिट होती अमेरिका की इतनी गाड़ियां वैसे हैं भी नहीं ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं ही नहीं इतनी तो यूएसए की। हाँ तो वो जो उन्होंने बनाई हुई वो रोल्स रॉयस वो अबे रोल्स रॉयस यूके की गाड़ी है पता नहीं वो जो शरारत है वो शरारत अबे वो जापानी गाड़ी है बहरान वो। यार तू चुप करके बैठ जा यार फैजान तू गाड़ी लगने वाली थी अभी। अच्छा भाई सॉरी यार भाई माजरत यार रश हो गया यार दफा हो जाओ। ओ भाई बोल रहा हूँ रश हो गया क्या हो गया यार रोजा लग रहा है आगे तुम्हारा अपना रोजा हेता भी ये पता नहीं नहीं होता हेता भी ना कर ठीक है ना मैं आऊं बाहर शारिक इसको जरा देख यार भाई ये तो तुझे ही देख रहा इतना इधर आओ भाई वो सारे मारो इनको ये पता नहीं क्या निकले होते बड़ी गाड़ी है तो क्या मतलब बड़ी गाड़ी की क्या बड़ी गाड़ी की बात कर रहे हो चलो बैठो बैठो जल्दी करो जल्दी करो बैठो बहुत ही बदमाश हो गया तू बाहर निकले की जरूरत क्या थी तुझे। नहीं यार बस वो रश हो गया था यार वैसे ही बदमाशी कर रहा था रश में नहीं निकलना चाहिए सर सिर फोड़ देते डर क्यों रहा शारिक तू मुझे इतना जोर के मुक्के मारे मेरा मुंह दुख रहा अभी शारिक का दांत टूट के उधर गिर गया था। नहीं वो तो वैसे ही नकली है ना शारिक नहीं नहीं नकली नहीं असली। अच्छा बता शारिक फिर इफ्तारी कब करा रहे हो यार ना तो शारिक तूने इफ्तारी कराई है एटलीस्ट तू तो करा दे तू तो मेरा भाई है साले साहब तो वैसे भी पता नहीं क्या बोलूंगा। चलो मेरे घर चलो मैं कराता हूं इफ्तारी। सही बात है रोजा तो होता नहीं है तुम्हारे घर में किसी का अभी चलो अभी करा देता हूँ बस ये बात है कि इफ्तारी टाइम नहीं आना इफ्तारी टाइम अपने घर चले जाना अभी आओ रोजा खुलाता हूँ तुम लोग। अच्छा चल ठीक है हम आ जाएंगे सही है। और बात तो सुन मेरी मेरे घर में तो इफ्तारी के लिए कुछ नहीं होता नहीं तो मैं कसम से तुझे इफ्तारी के लिए बुलाता। पता है क्या होता है पकौड़े होते हैं खजूर होती है और शरबत होता है और जो थोड़े बहुत आ जाते हैं पड़ोसियों की तरफ से पकौड़े बस यही है और यार मुझे खुद पकौड़े बहुत पसंद मैं बैठता हूँ कीड़ियों मकौड़ियों के साथ मिलके इफ्तारी करते हैं और जाते हैं अपना उठ के नमाज पढ़ते हैं। ये तो है तेरे घर में कीड़े मकोड़े ही बहुत है ना सही बात है तू भी आ जा कीड़े मकोड़े। अभी फ्री नहीं हो मैंने तुम लोगों को क्या कह रहा था बात ही तुम लोग भुलवा देते हो। मैं कह रहा था कि यार ये गाड़ियां बेचनी है ठीक है लोगों को ये नहीं बताना कि चाइना से हम लोगों ने मंगवाई हुई ठीक है ये रेप्लिकास होते हैं मिलती जुलती गाड़ियां होती हैं कोई बुगाटी की कॉपी होगी कोई इसी तरह जो है ना और गाड़ियों की कॉपी होगी। तेरा कॉपी चाहिए ही नहीं गाड़ी चाहिए जब। ओ भाई कॉपी मतलब नकल मतलब समझ ले के ध्यान से चला ले क्या कर रहा है यार पागल तो नहीं है यार गाड़ी ठोक रहा है बार बार। ये मैं कराता हूँ यार इस गाड़ी आराम के पैसे इसकी ना असल में व्हील बैलेंसिंग होने वाली है इसकी गाड़ी का ना तेरी मैं बैलेंसिंग करता हूँ गाड़ी खराब कर रहा है तू फजूल में मेरी गाड़ी है ठीक करो ठीक करो। हाँ ये अभी सही चल नहीं रही गाड़ी चेंज करा के दो मुझे अच्छी गाड़ी मैं सोच रहा हूँ कोई रेंज रोवर ले लेता हूँ। बेटा बहुत पैसे आ रहे हैं ना तेरे पास घर पे इफ्तारी लेने के पैसे नहीं है तेरे पास लोगों को बोल रहा मुझे ये गाड़ी की हालत है स्टेबल ही नहीं हो रही है क्या करे अभी बंदा मैं चेक करता हूँ ना इसको कर कुछ इसका ये देखो इसकी हरकतें देखो ये है यहाँ पे आनी है शिपमेंट। हाँ ये चाइनीज माफिया है ठीक है और ये जो है ना चाइना के लोग हैं। आ सॉरी 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 क्या कर दिया तूने सर इसके ऊपर मैंने टांगे रखी थी तूने गिरा दिया इसको। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक हो वालेकुम सलाम चलो ये गाड़ी आ गई है तुम्हारी लेके जाओ यहाँ से निकलो सर ठीक है तलाशी दो। कौन सी तलाशी पैसे मैंने दे दिए गाड़ियों के चलो चलो बैठो ठीक है चेंज कर लो गाड़ियाँ फिर गाड़ियाँ तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे बहुत ही A1 गाड़ियाँ बेहतरीन है मुझे तो ये तुझे इतने डिकारे क्यों आ रही है
यार बस थोड़ी तबीयत खराब है, कौन सी टिका मुझे लग रहा है तूने रोजा नहीं रखा हुआ, झूठ बोल रहा है तू। सहरी ज्यादा की थी यार, सहरी ज्यादा, अभी तक सहरी नहीं चलती बेटा, सच सच बता दे, अभी अभी कुछ खा के आया ना तू। सच बता रहा हूँ, सहरी ज्यादा की थी मैंने। और ये गाड़ी चक्कर कितनी भागती है यार, इस गाड़ी का नाम क्या भाई? आ! ओ ये क्या कर दिया भाई, शीशे शीशे तोड़ दिए। अब मैं क्या करूं, गलती से लग गई, अब मैं क्या करूं। अब तो इस गाड़ी की देख इतनी वैल्यू कम होगी होगी। ये गाड़ियां ऐसे ही हैं, इनके अंदर ना चाइना के ही आते हैं शीशे वगैरह, तोड़ दिया। अब हाँ ना, क्या हो गया, अब्बा की गाड़ी है ये, बहुत ही फ्री हो रहा है। ओ भाई क्या बदतमीजी कर रहा है, काम पर हो, आए अपनी गाड़ी है हमारी। अच्छा, समझ गया। अच्छा ठीक है, मारना नहीं दोबारा बता। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही गाइस, किस गाड़ी की कॉपी है, मेरे साथ आओ। बट मुझे एक गाड़ी जो है वो समझ आ रही है, ये बुगाटी की कॉपी है, ये गाड़ी मुझे बेस्ट लग रही है। क्या बात है, बैठ फैजान चल। अरे टोटल तूने कितनी गाड़ियां मंगवाई थी भाई? टोटल मैंने मंगवाई है 6 गाड़ियां। तो काफी महंगी गाड़ियां यार, ये कौन खरीदेगा हमारे शोरूम पे? ओ भाई मैं तुझे बताऊं सिंपल, ये गाड़ियां पता है कितने की है? कितने की? ये गाड़ी नाना करके मुझे जो है ना, ये वाली गाड़ी जो बुगाटी तू देख रहा है, ये 15 लाख की पड़ी है। अबे भाई ना कर। हाँ 15 लाख की ये मुझे गाड़ी पड़ी है, और इसके ऊपर जो शिपिंग कॉस्ट थी वो मिला के नाना करके इसकी जो है ना टोटल मुझे 50 लाख की गाड़ी पड़ी है। क्या बात है। बाकी ये गाड़ी बहुत बेस्ट है, तो इसकी स्पीड वगैरह देख रहा है बिल्कुल बुगाटी की तरह है, लेकिन इसमें जो मेन मसला है ना वो ब्रांडिंग का मसला है। एक तो यार ये बुगाटी रियल वाली तो नहीं है, वो तो तुझे ही पता है चाइनीज गाड़ी है, तो चाइना में ही बनाई है, इसके पार्ट्स भी चाइना से ही आए हैं, तो वो सब चीज है ना। तो यार ये ना हो ना फिर ये खत्म हो जाए, खराब हो जाए गाड़ी वगैरह, कोई मसला करे फिर क्या करेंगे यार, अपने कस्टमर्स को इतनी जल्दी खराब नहीं होती, बस ये है कि थोड़ा बहुत मसला तो करेगी, लेकिन कस्टमर्स को थोड़ा बता देंगे ना, गाड़ी थोड़ी हल्की सी है तो हम उनको 1 करोड़ में चिपका देंगे। 1 करोड़ में बुगाटी थोड़ी मिलती है, तुझे पता ही होगा। वो तो बहुत ठीक है, बुगाटी तो हजारों करोड़ों में मिल रही है आजकल। चलो ठीक है, अभी इसको लेके जाते हैं ना यार। अभी मैं सोच रहा हूँ, ये तो तेरा काफी अच्छा आइडिया था, ये गाड़ियाँ सारी बिक जाएगी हाथों हाथ, देख लेना ऐसी गाड़ियाँ पूरे लॉस एंजेलिस में किसी के पास नहीं है। ये देखना किस तरह भाग रही है, देख इतनी गाड़ियों को हम ओवरटेक करके जा रहे हैं आराम से। ओ भाई लगने वाली थी अभी गाड़ी, गाड़ी तो फुल भाग रही है, चेक कर ली तूने? गाड़ी तो बहुत अच्छी है, बस तू ड्राइवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये अंदाजा हो गया मुझे। नहीं यार ये चेक कर, कटिंग चेक कर तू मेरी यार, क्या ध्यान से भाई, ध्यान से ध्यान से देख रहा है कैसी चला रहा हूँ। सही चलाता है बस, अभी मुझे गाड़ी दे ना फिर मैं बताऊं। अच्छा बता इफ्तारी कब कराएगा, भाभी को बोलना यार कोई इफ्तारी की दावत वगैरह करे। अबे नहीं यार मेरे घर में देख कहां ही पैसे शैसे नहीं होते, अभी तनख्वाह तू देता नहीं और इफ्तारियां तुझे करने की पड़ी होती। मेरी बात सुनो। जी जी क्या हुआ? बॉस बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया दो, ठीक है इफ्तारी का। हाँ इफ्तारी का नहीं है। ओ भाई इफ्तारी का, इधर आ मेरे साथ। तुम चाइनीज लोगों को पता नहीं, हाँ इधर आ जा, इन्होंने पता नहीं क्या कुत्ता बिरयानी खानी है। आ जा ये देख ये कौन खड़े हैं, जिंदा नहीं जाओगे इधर से बेटा मेरे, बेटा मेरे ये क्या बोल रहा भाई। चलो शाम चल हमारी बात होगी है, ये हमारा दोस्त है ये जो सामने आपका बॉस बैठा हुआ है ना, पूछ लो उनसे, उन्होंने बोला है मुझे। जी सर आपने बोला पैसे चाहिए आपको? किसने बोला वैसे, मैंने तो नहीं बोला क्यों। हाँ, कौन मांग पेमेंट तो होगी, ये आपका जो साथ में है चूड़ा ये मांग रहे हमसे पैसे। इफ्तारी के पैसे हम नहीं लेते, सबसे सबसे लेते हैं ना, इनसे नहीं लेने, दोस्त है मेरा। हाँ, इधर आ चल चल भाई ड्रामे में बात आप ओके, इधर आ इधर आ इधर आ, तुम्हें मैं बताता हूं। ओ भाई तुम्हारा हर कोई दोस्त है। ओ भाई लड़ाई होगी, इधर आ फैजान जल्दी कर भागो भाई, ये लोग तो आपस में लड़ने लग गया, पागल तो नहीं है ये लोग? ओ नो बॉस पे अटैक कर रहा था ना, वो भी बहुत छाना हो रहा था, मार दिया लगता है उसको इन्होंने। ओए हो ओ भाई बहुत लड़ाई हो रही है, शारिक कहाँ है? ओए ओए हो अबे शारिक कहाँ रह गया, छोड़ना यार हम मरेंगे, शारिक कहाँ रह गया मुझे क्या बताओ। ओ भाई क्या जबरदस्त लड़ाई हो रही थी, हाँ दोबारा देखते हैं। ओ भाई क्या बात है, शारिक को लेने चलते हैं दोबारा देखते हैं, लड़ाई का अलग ही मजा है यार, क्या लड़ाई हो रही थी है ना। चलो चलो जल्दी करते हैं शारिक, अबे शारिक तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा, ये तो अभी तक ये देखो यार ये इनका जो बॉस है ये आराम से बैठा हुआ है भाई, उसको फर्क नहीं है, लगता है वो रोज ऐसी लड़ाइयां देखता है, उसको भी गोली लगी है। मस्त तो नहीं गया वो, देखो भाग रहा है। ओ भाई ये सब क्या चल रहा है, फैजान जल्दी कर हम लोग निकलते हैं यार, हमारी जान को खतरा है। अबे किधर जा रहा है, इधर आ, क्या हो गया सर, कॉल लगा रहे थे तेरे साथ, इधर आ मजाक चल रहा है, इधर आ। अच्छा अच्छा मजाक चल रहा है, सही सही इधर आ जा, इधर आ जा। अबे उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, बेटा है मेरा, उसको रोज ऐसे मस्ती चढ़ती है। अच्छा सही सही, मैंने कहा टेंशन ना ले, पता नहीं क्या हो गया, ते कभी भी ये पटाखे छोड़ है। ओ अबे हट जा मैं कह रहा हूँ, बाहर आ जा, बाहर आ जा। अबे भाई शारिक किधर है सर, ये गाड़ियाँ फिर पहुँचा देना शाम तक, सही है सर? ओके पहुँचा दूंगा।
चलो भाई निकलते हैं। ये देखो ये कहाँ गया हुआ था, कहाँ गया हुआ था तू भाई, तू कहाँ से आ रहा है यार? मैं भागा हूँ फौरन, गोलियां चली है। ओ भाई वो भी गोलियां चला रहे हैं, ये तो बहुत बदमाश लोग हैं भाई, दोबारा नहीं मंगवाएंगे हम गाड़ियाँ। नहीं यार चाइना की गाड़ियों का इशू नहीं है, असल में इसका बेटा बहुत चोखा हो रहा था, मैं पहले भी इससे मिल के गया हूँ, तब इसका बेटा नहीं था, इसका बेटा बहुत ही शाना बन रहा है। 1 लाख रुपए और दे दो भाई, कहाँ से दे दें हम लोग पैसे हैं? सही बात। अबे वो देख ट्रक ठोक के गया अभी अभी। यार ये लोगों की हालत है, वो कितनी तेज चला रहे हैं गाड़ियाँ, लगता है इन्हें इफ्तारी पे पहुंचना है। इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है यार, वो देख और ऊपर से बारिश का मौसम है। चलो यार मैं कहता हूँ यही किसी दुकान से जरा सामान पकड़ लो, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहा है बार बार, सामने देख के चला ले भाई। यार तेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया, चल ना देखना मेरी तरफ बार बार। गाड़ियाँ वगैरह तो आ रही है, मुझे तो बुगाटी बहुत पसंद है, ये दिल कह रहा है मैं उसे पर्सनल यूज के लिए रखूं। मैं बस कर पर्सनल यूज के लिए बेचेंगे भाई, प्रॉफिट बनाएंगे, फिर उसके बाद असल बुगाटी ले लेना यार। फिर कहना व्हाट कलर इज योर बुगाटी। हाँ वे ये भी ठीक है, चल सही बात है यार, फिर मुझे गुवाहाटी गिफ्ट कर देना। गुवाहाटी तुझे मैं गिफ्ट कर दूंगा, गुवाहाटी भाई बुगाटी बुगाटी यार, किसी बेकरी पे रोक ना कचौड़ियाँ समोसे वगैरह। हाँ सही है सही है, गर्मा गर्म जल्दी करो, जहाँ फ्रेश मिलते हो ना वहाँ से बताओ, वहाँ से लेंगे फ्रेश फ्रेश, ताकि यार ठंडे ना हो जाए ना इफ्तारी भी, तुझे पता है ठंडी चीजें मजा आता है। तो मादरे मिल्लत बेकरी है, उधर से फ्रेश मिलता है, बहुत भूख लगी है कसम से। अच्छा चलो चलो अभी जल्दी से कचौड़ियाँ भी ले लेते हैं। और क्या कहा था तुम लोगों ने? और मैंने कहा था चपली का बाप, चपली का बाप जो भी। चलो गाइस अभी हम लोग सारा सामान वगैरह ले लेते हैं, और उसके अलावा यार मैं सोच रहा था यार कहीं से कोई फ्रूट चाट मिल जाती ना यार, मैं सोच रहा हूं ना अपनी फैमिली के साथ इफ्तारी करूं। अबे तेरी कौन सी फैमिली है भाई? फैमिली है मेरा भाई हुजैफा। ओ भाई ये मार्केट्स है ना, ये मार्केट्स जा रही। हां रोक रोक, क्या बात है यार, हटाना भाई सामने से खड़ा हो गया है। ओ भाई जबरदस्त है, उसको देखो यार इसका सारी गाड़ी है मर्सिडीज लेके जा रहा है। मैंने तुझे बोला है ना मेरी गाड़ी इम्बैलेंस हो रही है यार, डंगर आदमी है तू, अजीब यार गाड़ी भी कोई अच्छी लेनी पड़ेगी यार। ओ भाई इसको तो ओवरटेक में ओवरटेक करना, धक्के क्यों मार रहा है? ओके मैं सोच रहा हूँ टक्कर मार के जाऊँ, शोखा हो रहा था यार तुझे पता है। ना कर ना कर भाई, कई गरीबों के पास भी ऐसी ऐसी गाड़ियाँ होती है ना कि कचूरा हो जाएगी तेरी गाड़ी। बस कर प्राडो, इतनी बड़ी गाड़ी लेके यार मैं सोच रहा हूँ गाड़ी चेंज करूँ यार, मैं रेंज रोवर या फॉर्चूनर लेने का सोच रहा हूँ, बताओ यार तुम लोग गाइस कमेंट में बताना कौन सी गाड़ी ले, फिट या फिर मार्क एक्स ही ले लूँ मैं भी, है बताना गाइस कमेंट में। अभी क्या करना, मेहरान ज्यादा फिट है। ये देखो ये अपने जितनी सोच के मुताबिक बताएगा, ये देखो ये बंदा जा रहा है। ओ भाई रुको रुको, इफ्तारी का सामान लेना है यार, इफ्तारी का सामान दे दो। क्या हो गया भाई, सारा माल बिक गया है, ये डिलीवर करना है उधर, तुम लोग क्यों सामने आ रहे हो? इफ्तारी का सामान लेना है सर। अबे इफ्तारी, अबे किधर जा रहे हैं, मेरे ट्रक पे क्या चढ़ा हुआ माल है भाई? अच्छा, ओ बाबा जी आ गए। ओ बाबा जी आ गए सर, बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, मैं घर ये लेके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा सही है सही है, बाबा जी चले आप पहुंचे जरा, मैं जरा बंदे को निपटा के आता हूँ। अबे किधर है हां, मेरा सामान चोरी कर रहा था तू, मार यार सारे को मार, मेरा सामान चोरी करेगा। गाड़ी में बैठो जल्दी करो, बैठो तुम्हें मैं इसको देख के आता हूं बस। इधर आ जा, गाड़ी से निकाल के मारूंगा मैं तुझे, इधर आ जा, बैठो बैठो जल्दी करो। ये लोग जो है रश बना के खड़े हो जाते हैं, रमजान में तो वेल शोखे हुए होते हैं यार लोग। अबे यार वो बंदा मर ही ना गया, किधर मर गया, मरा शरा कोई नहीं है, ड्रामे में बस कोई सवाब की नियत होती ही नहीं इनकी, पता नहीं अलग ही गुस्से दिखा रहे होते हैं, रोजा रख के गुस्से दिखा रहे हैं जी। हमारे लिए रोजा रखा है मत रख यार, करना चाहिए। अभी क्या हो गया, गलत टर्न ले लिया क्या? हाँ उधर मोड़नी थी गाड़ी। क्या हो गया भाई, बाहर निकालो गाड़ी, दिमाग खराब किया है, पहले लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा, रास्ता बंद किया है। क्या बोल रहे हैं, गालियां दे रहा है। ये कौन था, ये अगले ट्रक वाला था ना? रुक रुक भी निपटाते हैं इनकी जो है ना। मुज़फ़्फ़र छोड़ यार, क्यों नहीं यार, क्या यार टाइम ही नहीं, हमने इफ्तारी बाहर निकल, पागल तो नहीं, बाहर निकल, नीचे देगा, कर रहे हैं सफर कर, क्या कर रहा है दिखा रहे हैं, बाहर निकल तू, इसको पकड़ यार, उतर गया नीचे, इसको पकड़, ये किधर है, हट यार फैजान, भाग गया, किधर गया, इतना बदमाश बन रहा था अभी, भागा किधर है, किधर गया, किधर गया मर्दूद आदमी भाई, वो तो भाग गया, ये इधर आ गए। हां बाबा जी निकल के, बाबा जी भाग रहे, चल चल अभी तू दिमाग खाई जरा,
अरे तुम लोग बहुत लड़ाई कर रहे हो, हटो। ये पीछे मोटरसाइकिल वाले खड़े हुए हैं, ये देखो भाई, ये बाइक वाले खड़े हुए। चलो यार, रोजा मकरू कर आएगा मेरा, जल्दी कर, पहुंचते हैं, लेट हो रहे थे यहाँ पे, फिर रहा आराम से। चलो चलो, अभी शौक नहीं हो, लड़ाई लगा हुआ है, शौकल मेरे चल रहे हैं। बंदर आ रहा है सामने से, वाह, इसको भी नीचे दे दिया। पीछे निकाल ले गाड़ी, हट ना भाई, क्या कर रहा है तू? हर कोई मुंह को आ रहा है यार। अबे भाई रुक जा, हमें बैठने दे, आ जाओ तुम लोग भी पैदल। ये क्या कर रहा है भाई, हमें छोड़ के जा रहा है। पेशेंट है, पेशेंट है, गाड़ी निकालो। जी जी भाई, आराम से निकालना जरा, आ जाओ जल्दी करो। ओ भाई क्या हो गया, अभी तू क्यों खड़ा हो गया, निकालना गाड़ी, निकालो ना, बढ़ा ले, लगेगी ना। निकालो भाई, निकालो निकालो, एक तो पता नहीं हो गया गाड़ी का यार, ये गाड़ी जो है ना बहुत ज्यादा इम्बेलेंस हो रही है यार। मैं तो कहता हूँ बेच दे बस। हाँ मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, इसका कुछ ना कुछ मसला हो गया, नई गाड़ी मंगाते हैं। आपको गाड़ी का मैं कुछ करता हूँ, घर पहुंचो फिलहाल। तो गाइस आप लोग भी बताना यार, मार्क एक्स खरीदूं या फिर रेंज रोवर, मेरा दिल असल में ज्यादा रेंज रोवर या फॉर्च्यूनर का। हाँ तो पहुंच गए ना, घर जाके सारी करनी है, इधर थोड़ी करेंगे। क्या बात है यार, शॉर्टकट से आए हैं क्या? हाँ शॉर्टकट से आया हूँ ना यार मैं। क्या बात है, क्या बात, तुझे पता है यार, शॉर्टकट तो पता ही है ना मुझे बहुत सारे। चलो जल्दी करो, फिर इसके बाद जमील का रिश्ता लेने भी जाना। ओ भाई मैं यही तेरे से बात करने वाला था, क्या पट्टी चढ़ाई हुई है यार तुम लोगों ने उसको? ओ भाई मैंने नहीं उसको कुछ भी कहा, वो खुद आया मेरे पास, कह रहा था मामू मेरी शादी की उम्र होगी, शादी करा दे। ये सारी बातें छोड़ो, इफ्तारी के बाद देखेंगे, फिलहाल गाड़ी लेके घर चलते हैं, और घर जाने से पहले हम लोग खरीद लेते हैं कचोरियां गर्मा गर्म, उसके अलावा यार पकौड़े समोसे और हरी हरी चटनी जरूर खरीद। हरी हरी चटनी भी खरीद लेंगे। अबे भाई क्या हो रहा है। तो बस गाइज हम लोग तो जा रहे हैं इफ्तारी करने, आप लोग भी इफ्तारी करो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।